नमस्कार, मैं रतनसेन भारती। आज हम बात करेंगे बिहार में सोने की खान को लेकर। बिहार की धरती से बहुत ही जल्द सोना निकलने वाला है। मीडिया में चल रही खबरों की माने तो बिहार सरकार ने जमुई में देश के सबसे बड़े स्वर्ण भंडार के अन्वेषण की खुदाई की अनुमति दे दी है। कहा जा रहा है कि भारतीय भूतात्विक सर्वेक्षण के एक सर्वेक्षण के अनुसार जमुई जिले में 37.6 टन खनिज युक्त अयस्क के साथ ही 22.28 करोड़ टन सोने का भंडार वहाँ पर होने की बात कही जा रही है। अतिरिक्त मुख्य सचिव सह खान आयुक्त हरजोत सिंह बम्हार ने बताया है कि राज्य का खान और भूतत्व विभाग जमुई में सोने के भंडार के अन्वेषण के लिए GEI और राष्ट्रीय खनिज विकास निगम के साथ ही अन्वेषण में लगी एजेंसियों के साथ परामर्श कर रही है। इस दौरान उन्होंने यह भी बताया कि GSI के निर्देशों के विश्लेषण करने के बाद परामर्श प्रक्रिया शुरू की गई है, जिसमें कि जमुई जिला के करमाटिया, झाझा और सोना जैसे क्षेत्र में सोना होने के संकेत मिले हैं। हरजोत सिंह बम्हार ने कहा है कि राज्य सरकार एक महीने के अंदर खोज के लिए केंद्रीय एजेंसियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने की संभावना है। बता दें कि यह खोज प्राथमिक स्तर पर होगी। साथ ही साथ यह भी कहा गया कि कुछ स्थानों पर इसके जो है GI-2, जिसे कि हम सामान्य श्रेणी के तहत रखते हैं, उसके तहत जो है खोज की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। ऐसे में यह भी कहा गया है कि बिहार में सोने की खान में अब तेजी देखने को मिल रही है, यानी कि उसकी खुदाई में जो है तेजी देखने को मिल रही है। इससे पहले यह सिर्फ मीडिया की खबरें और सुर्खियां ही बना करती थी, लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि दक्षिण की फिल्म KGF की तरह बिहार में भी खुदाई होगी और सोने की तलाश की जाएगी। बिहार में सोने की खान को लेकर केंद्रीय खान मंत्री प्रहलाद जोशी पिछले दिनों लोकसभा में अपनी बात रखते हुए उन्होंने कहा था कि भारत में सोने के भंडार में सबसे ज़्यादा बिहार में स्थित है। अपने एक लिखित जवाब में उन्होंने कहा है कि बिहार में 22.28 करोड़ टन सोने की धातु हैं, जो कि देश के कुल स्वर्ण भंडार का 44% है। इस दौरान सदन में अपनी बात रखते हुए खान मंत्री ने यह भी कहा कि नेशनल मिनरल इन्वेस्ट्री के अनुसार देश में 1 अप्रैल 2015 को प्राथमिक स्वर्ण अयस्क के कुल संसाधन 654.74 टन के साथ स्वर्ण धातु 50.18 करोड़ टन होने का अनुमान है। बिहार के पास 22.28 करोड़ टन अयस्क है, जिसमें से कि 37.6 टन धातु मौजूद है। इधर जमुई के लोग बताते हैं कि करीब 15 से 16 साल पहले कोलकाता से जांच के लिए एक टीम आई थी, जिसमें करमटिया में सोना होने की बात कही थी। इसके बाद कई जांच टीमें पहुंची और इस पर मुहर लगाती रही, यानी कि वो बताती रही कि इस स्थान पर सोना है, जिसके बाद से यह कहा जाने लगा कि सही में जमुई में सोने का एक बड़ा स्वर्ण भंडार है, या फिर हम कह लें कि सोने का एक स्रोत है जहाँ से सोना निकाला जा सकता है। गांव के लोगों ने तो यह भी बताया कि साल 1982 में जमुई में बेचरागी गांव में सोना निकालने की बात जब पहली बार सामने आई तो यह खबर इंटरनेशनल मीडिया की सुर्खियां बनी थी। कहा जाता है कि उस समय 5 से 10 फीट की खुदाई करने पर सोने के कण मिलने लगे थे। खुदाई के बाद जब सोने के कण मिलने लगे तो उसके बाद आनन फानन में करमटिया को प्रतिबंधित इलाका घोषित कर दिया गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया है कि साल 1982 से 1986 के बीच में खुदाई का काम खूब हुआ, लेकिन उस कार्य को अचानक से रोक दिया गया। हालांकि अब यह कहा जा रहा है कि इस इलाके में एक बार फिर से खुदाई शुरू की जाएगी और उसके बाद जो है स्वर्ण भंडार की बात जो कही जा रही है, और यह कहा जा रहा है कि पूरे देश का 40% से भी ज़्यादा सोना जमुई में स्थित है, तो ऐसे में उसकी खुदाई की जाएगी। और ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि बिहार जैसे गरीब राज्य में अगर सोना निकलता है तो इस प्रदेश का कायाकल्प हो जाएगा। बिहार और बिहार से जुड़ी हुई और भी ऐसी खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।